Hi everyone, my name is Rohit Garcha. Welcome to Abhimanyu IAS, a platform which prepares you for your UPSC and PCS journey. Abhimanyu has more than 23 years of experience, has given out more than 2200 results since 1999. This is To The Point, ek aisi series jahan pe hum log prelim point of view se current affairs ko cover karte hain ki current affair mein aisa kya aa rakha hai ki jo prelim mein pucha ja sakta hai. And once you cover any topic इन दिस सीरीज और अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो आपका प्रीलिम्स के अंदर आता है तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट. वैसे ही जो हमारा आज का टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू नंबर वन सीबीआई. एक ऑपरेशन हुआ था जिसको ऑपरेशन मेघ चक्र बोलते हैं और इट इज़ रिलेटेड टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एंड इसके ऊपर जो हमारे इनपुट्स थे वो इंटरपोल के थ्रू आए थे और एक सीबीआई ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया है. इससे रिलेटेड एक और ऑपरेशन है उसके बारे में भी हम जानेंगे. And just in case you want to clear the examination, want to become a civil servant, and उसके लिए आपको current affairs cover करने हैं, so there is a course that is going on already at Abhimanyu IAS, which is taken by me. It is current affairs course and it is for both pre and mains. जैसे To The Point series के अंदर अभी जो हम ये series कर रहे हैं इसके अंदर basically हम लोग सिर्फ prelim point of view से जो है हम current affairs को cover करते हैं. इन दिस क्लास इट इज़ अ डिस्कशन बेस्ड क्लास. ओवरऑल सब कुछ इसमें कवर होता है फॉर प्री एज वेल एज मेन्स, क्योंकि आपका जो रैंक है वो अल्टीमेटली मेन्स के थ्रू ही बनता है. एंड कन्वीनियंस है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में है एंड यू गेट अ 7 days फ्री ट्रायल एज वेल, सो यू कैन चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. अभी चलते हैं हम आज के टॉपिक पे विच इज ऑपरेशन मेघ चक्र. एंड ये किसके थ्रू हुआ है अभी हमने बात करी थी, इट इज सीबीआई के थ्रू, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. एंड जस्ट एक छोटा सा ट्रिविया या इसको आप दिमाग में रख सकते हो कि इसका जो स्लोगन कह सकते हैं इसको, दैट इज इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी इंटेग्रिटी. यूपीएससी में बड़े लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं ग्रुप ए एग्जाम्स, उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं. बट इफ यू गो फॉर एनी अदर एग्जाम है ना, क्योंकि मन में डर रहता है तो हम इधर उधर हाथ पैर मारते रहते हैं, तो उसमें इस टाइप की चीज आ सकती है. याद रखना कि सीबीआई में देर आर 3 eyes. अगर सीबीआई को गुस्सा दिलाया तो इसकी तीसरी आंख, 3 eye, थर्ड आई खुल जाएगी. तो याद रख सकते हो आप कि 3 eyes से है इंडस्ट्री इंपार्शियलिटी इंटेग्रिटी. अभी हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर विच इज ऑपरेशन मेघ चक्र. सीबीआई कंडक्टेड सर्चेज एट 59 लोकेशन अक्रॉस 20 स्टेट्स एंड 1 UT एज पार्ट ऑफ अ पैन इंडिया ड्राइव अगेंस्ट सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल. अब जब क्वेश्चन बनेगा वो नाम देने के बाद में कुछ इस तरीके का कोई स्टेटमेंट देके कि किससे रिलेटेड है, किसने कंडक्ट किया है, इसी के अराउंड जो है वो बनता है. इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई बात नहीं हो सकती है. ये याद रखना कि सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल. बाय द वे यू कैन रीड पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट. तो इसके साथ में वो टॉपिक भी जो है एक्टिवेट हो जाता है. इसका वो पार्ट नहीं बना रहा हूं मैं इस वीडियो का, मे बी सम अदर टाइम अगर कभी डिस्कस करना हो इस पर्टिकुलर एक्ट, क्योंकि वो करंट अफेयर का पार्ट नहीं है, ये है. द ऑपरेशन कोड नेम्ड मेघ चक्र वॉज कैरिड आउट फॉलोइंग द इनपुट्स रिसीव फ्रॉम इंटरपोल्स सिंगापुर स्पेशल यूनिट बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अथॉरिटीज इन न्यूजीलैंड. यानी कि एक देर इज अ थिंग कॉल्ड MLAT, है ना, म्यूचुअल समथिंग ट्रीटी है, मैं नाम थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, अभी हम करने वाले हैं उसको. वो एक बायलेटरल ट्रीटी होती है बेसिकली दो कंट्रीज के बीच में कि आप उसमें लीगल मैटर्स के अंदर लीगल असिस्टेंस के लिए आप जो है इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हो. तो वैसी ही इन्फॉर्मेशन एक इंटरपोल के थ्रू न्यूजीलैंड ने यहाँ पे और उसके बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन शेयर हुई, जिसके बाद जो है ये ऑपरेशन मेघ चक्र जो है वो कंडक्ट किया था, जिसके अंदर जो सर्च हुई थी 59 लोकेशंस में अक्रॉस 20 स्टेट्स एंड 1 UT में किया गया. सीबीआई रजिस्टर्ड 2 cases अलेजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स वर इन्वॉल्व इन द ऑनलाइन सर्कुलेशन डाउनलोडिंग एंड ट्रांसमिशन. देखिए ये सारी चीजें क्राइम के अंदर आता है. जस्ट ये भी एक पॉइंट है कि योर पोजेशन, डाउनलोडिंग, ट्रांसमिशन, एवरीथिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्राइम और वो आप पॉक्सो के अंडर उसको आपको चार्ज किया जा सकता है या एनी अदर फॉर दैट मैटर एनी अदर लॉ. मतलब देर आर एन नंबर ऑफ टीथ इन द गवर्नमेंट्स माउथ, इन द अथॉरिटीज माउथ टू नैब यू. सो दिस इज द थिंग, ऑनलाइन सर्विस डाउनलोडिंग सच मटीरियल यूजिंग क्लाउड बेस्ड स्टोरेज.
द सर्चिज वर कैरिड आउट इन, अभी ये स्टेट्स का नाम है, देखो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो हम इसको स्किप ही कर देते हैं, ये कुछ खास इसमें सवाल वाली चीज नहीं है, बस स्टेट्स का नाम बता दे कहां कहां है, कोई नहीं पूछेगा। अ प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी ऑफ डिवाइसेस यूजिंग साइबर फोरेंसिक टूल्स एलिजिबली रिवील दैट अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटीरियल वॉज स्टोर्ड इन देम। अब यहां पे जो चीज एक्टिवेट होती है, हालांकि ये स्टेटमेंट थोड़ी रिडंडेंट है कि हमें पता है कि वो हुआ होगा तो यही सब होना है। जस्ट डू योर रिसर्च बिट ऑन साइबर फोरेंसिक्स, थोड़ा टाइम निकालो और साइबर फोरेंसिक्स के बारे में रीड समथिंग, और पता लग जाए तो आपका जो सिक्योरिटी वाला कॉलम है मेन्स वाला वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। इस टाइप की चीजें हम क्लास में वैसे साथ साथ ही साइड नोट बना के कवर कर लेते हैं, तो दैट इज आई वाज सेइंग कि आप द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर सकते हो, 7 डेज का फ्री ट्रायल भी है, तो वहां पे आपके करंट अफेयर वंस एंड फॉर ऑल जो है वो डन हो जाता है। मूविंग ऑन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द एजेंसी हैड लॉन्च्ड अ सिमिलर एक्सरसाइज कोड नेम्ड ऑपरेशन कार्बन। अब जो सवाल घूमेगा वो इसके अराउंड भी घूम सकता है कि और जैसे लिख दिया कि ऑपरेशन मेघ चक्र एंड ऑपरेशन कार्बन, शायद मैंने ये वाला सवाल डाला भी है कि ये किससे एसोसिएटेड है, तो इस टाइप के गेम्स को है जो यूपीएससी प्ले करता है आपके साथ, है ना। और ये एक सिमिलर टाइप का था, द सीबीआई लेटर डिसाइडेड टू सेंड रिक्वेस्ट टू सेवरल कंट्रीज फॉर शेयरिंग एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अंडर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। ये जो नाम मैं स्किप कर रहा था वो ये है, MLATs, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज ऑन दोज इन्वॉल्व इन द रैकेट। अब देखिए MLATs यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये थोड़ा सा करंट का पार्ट जो है आई फेल्ट कि आपको यहां पे बता देना चाहिए। दिस इज MLAT, MLAT इन क्रिमिनल मैटर्स आर बायलेटरल ट्रीटीज एंटर्ड बिटवीन द कंट्रीज। देखो ये याद रखना, बायलेटरल ट्रीटीज एंटर्ड बिटवीन द कंट्रीज फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड असिस्टेंस। वो बात आई है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, कुछ कुछ वैसी सी बात है कि कोऑपरेशन, बायलेटरल कोऑपरेशन के लिए एक एग्रीमेंट है कि मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा तुम मेरी भी मदद करना, तो इसके तहत अब सीबीआई जो है इट इज आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड हेल्प। दीज एग्रीमेंट्स अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन इन क्रिमिनल एंड रिलेटेड मैटर्स बिटवीन द साइनिंग कंट्रीज। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है जिसके ऊपर एक्चुअली सवाल बन सकता है वो ये है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। देखिए दो कंट्रीज के बीच में ट्रीटी है तो बट नेचुरल दिमाग में आता है कि यार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो है ये एम्बिट रहने वाला है, बट ऐसा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एम्बिट नहीं है। दे मे बी इन्वॉल्व बट ये एम्बिट है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये प्लीज इस चीज को याद रखना, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है। इज द नोडल मिनिस्ट्री एंड द सेंट्रल अथॉरिटी फॉर सीकिंग एंड प्रोवाइडिंग MLATs इन क्रिमिनल लॉ मैटर्स। होम अफेयर्स के थ्रू जाता है, एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू नहीं जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मे बी इन्वॉल्व इन दिस पर्पस व्हेन रिक्वेस्ट आर राउटेड थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स बाय दीज मिनिस्ट्री। तो फिर उसके बाद तो आपके पास टूल्स ही टूल्स हैं, कोई भी मिनिस्ट्री के थ्रू आप कर सकते हो जिसकी कोई ट्रीटी ऑलरेडी हो रखी है, मतलब इट्स अबाउट की अप्रोच। नोडल मिनिस्ट्री ये है, इसके रिलेटेड सवाल देखते हैं, ये बहुत ईजी कैटेगरी में है कि अगर आपको आता है, एंड इनकेस अगर आपने नहीं पढ़ा है इसके बारे में कुछ भी तो फिर ये दिस इज लाइक नॉट पॉसिबल टू अटेम्प्ट, सिंपल सी बात है ये पॉसिबल है ही नहीं। ऑपरेशन मेघ चक्र सवाल पढ़िए आप, ऑपरेशन मेघ चक्र एंड ऑपरेशन कार्बन आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, जो हम बात कर रहे थे, तो वी नो द आंसर दैट इट इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी। एंड बाकी अगर आप देखोगे कि ये क्यों डाले गए ऑप्शंस तो आपको समझ में आएगा कि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाले गए हैं, एंड बिकॉज अगर आपको नहीं पता तो नहीं पता होगा। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, माय नेम इज रोहित गर्चा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज अभिमन्यु IAS।